एक्चुअली आगे का चैप्टर, चैप्टर तो वही है, पॉइंट आगे का। तो ये जो स्लैब चेकिंग, कॉलम चेकिंग, फुटिंग चेकिंग, बीम चेकिंग, पीसीसी चेकिंग, बहुत सारी चेकिंग होती है मेजरमेंट में। लेकिन और एक इसमें बात आती है कि मेजरमेंट टेप जो है वो बहुत ही ससेप्टिबल होता है किसके सामने, टेम्परेचर या फिर एटमॉस्फेरिक चेंजेस उसके बारे में। खास करके कौन सा, जो कपड़े का टेप होता है, क्लॉथ का टेप, वो काफ़ी ससेप्टिबल होता है, मतलब वो जल्दी से चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक चेंजेस। इसलिए उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। स्टील टेप में इतना नहीं होता, लेकिन स्टील टेप का ये है कि स्टील टेप यूज़ करते वक्त कभी कभी उस पर पैर पड़ जाता है, कभी कभी उस पर कोई चीज़ गिर जाती है तो वो टूट जाता है। तो ये बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो ही टाइप के अपने पास टेप आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में। एक होता है कपड़े का क्लॉथिंग और दूसरा होता है स्टील का। स्टील एटमॉस्फेरिक चेंज तो ससेप्टेबल नहीं करता है, लेकिन उस पर अगर कोई चीज़ गिर जाए, आपका पैर, कोई चीज़, साइड की कोई भी एलिमेंट, तो उसमें फिर बदलाव हो जाता है आपके मेजरमेंट में। और कपड़े का जो टेप होता है वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, थोड़ा सा चेंजेस उसमें हो जाता है, इसलिए आपका आखिर में 2-3 इंच का इधर उधर हो ही जाता है। इसलिए उस बात का थोड़ा ध्यान रखिए मेजरमेंट करते वक्त। और अगले जो पॉइंट है हम लोगों का, एक स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल कुछ फॉर्मूले बचपन से हम लोगों ने सीखे हैं, वही यहाँ पे अडॉप्ट करने हैं मेजरमेंट ऑन साइट के लिए। जैसे कि स्लैब कभी कभी ट्रायंगल में आ जाता है, कभी कभी सर्कल में आ जाते हैं। सिर्फ स्लैब ही नहीं, जब मैं अभी बात कर रहा हूँ मेजरमेंट की, तो मैं खाली एक एग्जाम्पल के तौर पर स्लैब को ले रहा हूँ, लेकिन कॉन्क्रीटिंग कुछ भी रहो, कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट रहो, उसका मेजरमेंट हम लोगों को करना है। तो मैं स्लैब सिर्फ एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो बात को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सपोज़ अभी हमारा ट्रिमिक्स फ्लोरिंग है, ट्रिमिक्स फ्लोरिंग तो आप सब लोगों ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में या फिर आपके बी तक या फिर एमई तक आपने पढ़ा ही होगा कि ट्रिमिक्स फ्लोरिंग क्या होता है। तो ट्रिमिक्स फ्लोरिंग के बारे में तो अभी डिस्कशन पार्ट नहीं है, लेकिन अगर पूरा का पूरा फ्लोरिंग अगर ट्रिमिक्स में हो, अगर वो आपको मेजरमेंट करना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत अंदरूनी एरिया में आपका कॉन्क्रीटिंग हो जाता है, वहाँ पे आपको जाना भी नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे आपको मेजरमेंट के लिए जाना पड़ता है। कॉन्क्रीटिंग के लिए जगह थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है, लेकिन अंडर वर्स्ट कंडीशन भी आप वहाँ पे कॉन्क्रीटिंग कर लेते हैं। उसके बाद में मेजरमेंट के लिए भी आपको झुक के जाना पड़ता है, बैठ के जाना पड़ता है, किसको तो भी साथ में लेके जाना पड़ता है, कभी कभी अंधेरा हो सकता है, वहाँ पे लाइट लेके जाना पड़ता है। कॉन्क्रीटिंग तो करना है, मेजरमेंट भी लेना है, उस कंडीशन में आपको ये कुछ फॉर्मूले मालूम भी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा हमेशा कॉन्क्रीटिंग जो होता है वो ऐसा नहीं कि आपको परफेक्ट रेक्टेंगल में मिलेगा या फिर परफेक्ट ट्रायंगल में मिलेगा या फिर परफेक्ट कोई भी ज्योमेट्रिकल एलिमेंट में आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होता बहुत बार। तो चलो सपोज़ यहाँ पे आपको मिल गया, ट्रेपेज़ॉइडल में है, स्क्वायर में है, ट्रायंगल में है, सर्कल में है, पैरेललोग्राम में है, हेक्सागन, ऑक्टागन तो अभी तक तो डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है। चलो ठीक है, फिर अगर स्लैब आपके सामने रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगल का मतलब आपको तो पता है कि ही इज़ अ ब्रदर ऑफ स्क्वायर, लेकिन उसके जो डायमेंशंस है वो दो सेम और दो अलग अलग ऐसा होता है, मतलब सामने की दो जो पर्टिकुलर डायरेक्शंस होती है वो सेम होती है और अपोजिट साइड की जो डायरेक्शंस होती है वो सेम होती है। आपके स्क्रीन के सामने दिया एग्जांपल कि 10 मीटर बाय 50 मीटर का अगर वो स्लैब रहा तो उसका आंसर कितना आया, 500 स्क्वायर मीटर। वो क्या हुआ है आपका एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल, वो कुछ भी हो सकता है ना, पीसीसी हो सकती है। एक राफ्ट फाउंडेशन अगर लिया तो थ्रोट बड़ा सारा एक पीसीसी का पार्ट आ जाएगा, स्लैब भी हो सकता है। अगर आपका शेप हो गया ट्रेपेजॉइड का, तो आपको ट्रेपेजॉइड में क्या ज्योमेट्रिकल का फॉर्मूला है वो आपको एडप्ट करना पड़ेगा, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो भी आपके स्क्रीन के सामने है। लेकिन मैं एक बता दूं कि सीधा सीधा शेप जो होता है वो आपको नहीं मिलता है, आपको बहुत बार वो स्लैब को शेप्स देने पड़ते हैं। इसीलिए ये बात को समझिए, ये बात आसान भी है और थोड़ी मुश्किल भी है। आसान मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले में अगर आपने एक बार वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट कन्वर्ट कर दिया, तब आप ये फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने जिगजैग मोड में अगर पूरे के पूरे डायमेंशंस लिए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए पहले स्लैब को फ्रैगमेंटल में तोड़ तोड़ के उसके
ऊपर ये ज्योमेट्रिकल के फॉर्मूले अप्लाई आपने किए अच्छे से, तभी आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ये बात आप समझ लो। आगे आपके सामने स्क्रीन पे अलग अलग शेप्स हैं, जैसे कि ट्रायंगल में भी दो टाइप है, एक राइट एंगल है, एक ट्रायंगल है। अभी ट्रायंगल के बारे में भी दो तीन बातें आती है कि कौन सा ट्रायंगल है, उसका एंगल कितना है, वो सब बातें। उसका फॉर्मूला दिया है आपके सामने, वो भी आपको पता है, बचपन से पता है आपको। उसके बाद में सर्कल है, सर्कल में दो बातें आती है बहुत बार, सर्कमफेरेंस और फिर एरिया। तो सर्कमफेरेंस कब लेना है, एरिया कब लेना है, उसका बारे में भी ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो हम लोग सिर्फ एरिया कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर इज कंसिडरेशन। उसके बाद में एरिया स्लैब बहुत बार वॉल्यूम में नहीं काउंट किया जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क ऑर्डर। अभी कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर किस हिसाब से दी है, उस हिसाब से मेजरमेंट लेना पड़ता है। हम लोगों ने सर्कल यहाँ पे कंसिडर किया है, डी एज अ डायमीटर, पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर, वेयर डी इज इक्वल टू डायमीटर। अभी ये तो बहुत ही कॉमन थिंग है, लेकिन नया जो बात है वो उसमें ये आती है कि हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन, ये आपको पता चल जानी चाहिए। और ये स्पेशल पर्पस जब कुछ होता है उस कंस्ट्रक्शन में, तब इस शेप के कुछ कॉन्क्रीट एलिमेंट्स कास्ट किए जाते हैं या फिर कॉन्क्रीटिंग किए जाते हैं, उस वक्त आपको ये सब जो शेप्स है ये अप्लाई करने पड़ते हैं। और उनके जो फार्मूला है वो आपको पता चल जाने चाहिए अभी भी। अगला पॉइंट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम रहा तो सीधा सीधा एक कोई शेप है, उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको एरिया मिल जाएगा। उसके बाद में मैं एम्फोसाइज करके एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, हम लोगों का कोई दूसरा काम नहीं है कि हम आ गए मेजरमेंट के लिए, बैठ गए, आप सामने बैठ गए, मैं यहाँ पे बैठ गया और मैं आपको कुछ तो भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दो टाइप के शीट्स आते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, ऑलवेज रिमेंबर। और ये मैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा हूँ एस्टिमेशन का, उसे दो टाइप के शीट्स आते हैं, वो हमारे स्क्रीन पर आगे आने वाले हैं। उसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट शीट, मेजरमेंट शीट। क्या बताया मैंने, मेजरमेंट शीट, एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो कौन सा पहले कौन सा बाद में, ये भी डिस्कशन का पार्ट है, बेहद ज़रूरी है। तो उसके पहले कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिससे कन्वर्जन आ गया, इसका मतलब क्या, अगर आपको रात को नींद में उठाकर भी बता दिया 1 मीटर इक्वल टू कितना, फीट का इंचेस में कितना, इंचेस का सेंटीमीटर में कितना, सेंटीमीटर का मीटर में कितना, मीटर का फीट में कितना, पूरा सीधा आपको पता चल जाना चाहिए। इतना आप उसमें प्रकांड पंडित बन जाना चाहिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में। इसलिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आपको पता ही होना चाहिए, आपको उसमें एक जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए, आपका ऐसा मन होना चाहिए कि मैं उसमें खेल सकता हूँ। तो पहला आपके स्क्रीन के सामने है कौन सा है, वो है 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। बहुत लोग 25 सेंटीमीटर तो बोलते हैं 1 इंच इक्वल टू, लेकिन फिर 4 का क्या, अभी 4 कैसे काउंट करें, ये भी डिस्कशन का पार्ट है। ये सब बातें होती है, ये तब क्लियर होती है जब हम लोगों के हाथ में मेजरमेंट टेप हो, जब हम लोगों के साथ अच्छे सीनियर हो और हमारे साथ अच्छे सबऑर्डिनेट्स या फिर कलीग हो, जो हमारी सोच के लोग हो, अच्छा सोचते हो, आउटपुट अच्छा आता है, आउटकम अच्छा आता है, तब हमारे डेवलपमेंट अच्छे से होती है। तो ये डिस्कशन का पार्ट है। तो उसके बाद में सेकंड आपके सामने 1 फीट, आपको तो पता है, अभी जो अपनी छोटी सी स्केल आती है वो भी 30 सेंटीमीटर की होती है, उसमें 12 इंच का आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें देखिए 30.48 सेंटीमीटर का आ गया है। उसके बाद में आगे दिया आपका 1 सेंटीमीटर, आपको तो पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, लेकिन अगेन मैंने क्या बताया आपको, इंचेस का मीटर, मीटर का फीट, सेंटीमीटर का mm, mm का इंच, इंच का mm, सब आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये स्क्रीन के सामने आपके ये हो गया लेंथ में। अब एरिया में क्या, एरिया तब आता है जब एक से ज़्यादा डायमेंशन होते हैं। लेंथ में एक ही डायमेंशन होता है, इसमें आ गया आपका 2 डायमेंशन, तो डेफिनेटली 1 स्क्वायर इंच तक बात आती है। लेकिन ये सब 1 स्क्वायर इंच वगैरह जो बातें आती है, ये अपने अगले टॉपिक में आएगा, लेकिन फ़िलहाल तो भी नॉलेज के लिए आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि 1 स्क्वायर इंच इक्वल टू हाउ मच स्क्वायर सेंटीमीटर, उसके बाद में 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू हाउ मच स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर मीटर,
सबसे बढ़िया काम ये है कि जब जगह हम लोग बेचने या फिर ख़रीदने जाते हैं तो आप लोगों को एकड़, हेक्टर, ये बहुत सारी बातें आती है, तो उसका भी कन्वर्जन है ना। 1 एकड़ इक्वल टू हाउ मच, 1 हेक्टर इक्वल टू हाउ मच। बोली भाषा में हम तो बोल देते हैं कि 1 एकड़ इक्वल टू 40 घुंठास। अब ये जो 40 घुंठास है आपके सामने है, लेकिन वो घुंठास में नहीं दिए, जानबूझ के नहीं दिए, क्योंकि बहुत बार इंजीनियर ये भूल जाते हैं कि 40 घुंठा के आगे भी कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, वो भूल जाते हैं उसे, इसलिए जानबूझ के यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया। लेकिन मेंशन ये किया है कि 1 एकड़ इक्वल टू हाउ मच हेक्टर, उसमें 40 तो दिख रहा है लेकिन 40 घंटे के तौर पे नहीं दिख रहा, हेक्टर के तौर पे दिख रहा है। उसके बाद में है 1 हेक्टर। बहुत बार सीधा सीधा बोल देते हैं 1 हेक्टर इक्वल टू 2.48 एकड़। अभी 2.48 एकड़ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने वो भी उसमें नहीं दिया, हमने थोड़ा सा 2.47 हमने नहीं किया, स्टैंडर्डाइज है वो। लेकिन 2.48 बोली भाषा में लोग बोल देते हैं कि 2.48 या फिर 2.5 एकड़ का 1 हेक्टर, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग 2.48 से गए या फिर 2.47 से गए तो एक्चुअल आपका लॉस भी हो सकता है, और अगर आप लकी हो तो आपका बेनिफिट भी हो सकता है। दो दो बातें हैं। आगे दिया है आपका कि 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच, 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर। मैंने कहा 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू हाउ मच लीटर, ये भी बातें समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में 1 क्यूबिक फीट, 1 क्यूबिक फीट का कितना लीटर आएगा। अभी कॉन्क्रीटिंग ऑन साइट में हम लोगों ने फार्मा पढ़ा पढ़ा कि नहीं, उसमें 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट 3 इंचेस का फार्मा था, उसमें कितना लीटर आ गया अपना 35 लीटर। अभी स्टैंडर्डाइज देखिए कि 1 क्यूबिक फीट का कितना आया, 28 पॉइंट समथिंग लीटर्स, जो आपके स्क्रीन के सामने है। और डेफिनेटली अगर हम एक्स्ट्रा जाएंगे, 1.25 अपना आया था उस वक्त कॉन्क्रीटिंग ऑन साइड में, तो डेफिनेटली हम लोग ज़्यादा है। ये 1 क्यूबिक फीट है, वो 1.25 क्यूबिक फीट था, याद है या नहीं? याद नहीं तो वापस रिकॉल कर लीजिए, अपनी नोटबुक खोल के देख लीजिए, आपने कैलकुलेटर में भी कैलकुलेशन किया होगा। उसके आगे 1 गैलन, बहुत लोगों को गैलन क्या होता है ये पता नहीं होता, लेकिन गैलन मतलब क्या है, इतना इतना लीटर इज इक्वल टू 1 गैलन, वो आपको पता चल जाना चाहिए। लेकिन ये एक नॉलेज के लिए दिया है, एक्चुअली हिंदुस्तान में ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होता है। उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वो आती है कि नासिक रीजन में जब जगह आप लोग लेने जाते हैं तो वहाँ पे स्क्वायर फीट नहीं चलता है, वहाँ पे क्या चलता है, वार। वार यानी 1 वार इज इक्वल टू 3 फीट बाय 3 फीट। इसका मतलब कितना स्क्वायर फीट हुआ, 9 स्क्वायर फीट हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 स्क्वायर फीट हुआ। और उसमें जो रेट होता है वो 1 वार के हिसाब से होता है, ये बात समझिए। पुणे साइड में, मुंबई साइड में या फिर और भी देश के बहुत सारे एरिया में हम लोग यूज़ करते हैं स्क्वायर फीट। जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, वो साइड में क्या चलता है, बीघा चलता है, 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा। उसमें भी संशोधन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एरिया टू एरिया वहाँ पे भी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की। तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है कि जब नया आदमी वहाँ पे जाता है, ज़मीन खरीदता है या फिर बेचने की सोचता है तो क्या करें। इसलिए एरिया टू एरिया अपने थ्रू आउट नेशन में भाषाएं अलग अलग है, जो ट्रांजैक्शन चलता है ज़मीनों का तो अलग तरीके से चलता है। अभी 33 बाय 33 इज इक्वल टू, मतलब 33 फीट बाय 33 फीट इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर स्क्वायर फीट, जनरली आता है वो 1089 स्क्वायर फीट कुछ तो भी आता है, वो बहुत सारे एरिया में चलता है। ये बहुत लोगों को लगता है कि 1 घंटा यानी 1000 स्क्वायर फीट, तो मैं ये दोबारा कह देता हूँ, यू आर रॉन्ग। 1000 स्क्वायर फीट मतलब 1 घंटा कभी नहीं होता। मैंने कहा 33 बाय 33 फीट इज इक्वल टू 1089 स्क्वायर फीट समथिंग आता है, वो आप एक बार वेरीफाई कर लिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, तो वो आ गया आपका 1 घंटा। अगर मैं स्क्वायर मीटर की मानूं तो 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू नियर अबाउट हो गया 1 घंटा, ये बहुत बार मैंने देखा है। तो वो कैसा हो गया, क्या हो गया, अभी आप नोटबुक खोलिए, पेन हाथ में लीजिए, कैलकुलेटर साथ में रखिए और उसमें खेलिए, उसमें सोचिए, समझिए बातों को। छोटी छोटी बातें समझना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, बड़ी बड़ी बातें तो समझ में आ जाती है। तो उसके बाद में आपके सामने 1 लीटर इक्वल टू भी सामने दिया है स्टैंडर्ड की, 0.0353 क्यूबिक फीट।
तो आपके थोड़ा सा कुछ तो भी समझ में आ गया होगा कि वन वार क्या होता है, गैलन क्या होता है, स्क्वायर इंच क्या होता है, एरिया में क्या आता है, लेंथ में क्या आता है। अभी चलिए वेट में आते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में वेट बहुत ज़रूरी है। तो वेट में बहुत बार समझ में नहीं आता, या फिर समझ में आ गया तो पहले एक ही बात समझ में आती है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। ये 1 किलोग्राम क्या है सब लोगों को पता है ना, 1 किलोग्राम की शक्कर आती है, 1 किलोग्राम का साबूदाना आता है, 1 किलोग्राम की मूंगफली आती है, बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन इसमें यह है कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर कंसिडर हो जाए तो 1000 kg तक जाना चाहिए, सिर्फ 1 kg तक रुकना नहीं चाहिए। मतलब क्या, 1 टन इज़ इक्वल टू कितना kg, 1000 kg, और 1000 kg इज़ इक्वल टू 1 टन। अभी इसमें भी बहुत सारे कन्वर्जन से वो आपके स्क्रीन के सामने है, लेकिन बहुत बार एग्रीकल्चर में क्विंटल पे काम चलता है, तो 1 क्विंटल इज़ इक्वल टू होता है 100 kg, स्क्रीन के सामने है कि नहीं। उसके बाद में पाउंड में दिया है, हिंदुस्तान में पाउंड फेमस नहीं है, तब भी पाउंड का दिया है नॉलेज के लिए, वो भी आप कन्वर्जन देख लीजिए। उसके बाद में मिसलेनियस या फिर आदर्श में है कि कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन पे या फिर यूटीएम पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जब मेजरमेंट लेते हैं तो वहाँ पे एक बात आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर आपका जो पर्टिकुलर डायल गेज ये दिखाता है कि 1 किलो न्यूटन की इसकी कैपेसिटी है, इसका मतलब कितना हो गया उसका टर्न, वो भी आपके सामने है। एक बात समझ लीजिए कि 1 किलो न्यूटन का मतलब ये होता है 1 क्विंटल, इसका मतलब क्या होता है 100 kg। ये बहुत लोगों को कन्वर्जन करने में दिक्कत आती है, दिस इज़ द केस स्टडी। बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं कन्वर्जन में मार खाते हैं, समझ में नहीं आता उनको क्या करना है, हालांकि इतनी इजी बात होती है, वो गलती से अपना कन्फ्यूजन करा लेते हैं। कोई बात नहीं, हम कन्फ्यूजन दूर कराने के लिए यही तो बैठे हैं यहाँ पे। तो 1 किलो न्यूटन इज़ इक्वल टू 100 kg, ऊपर आपके सामने दिया है कि 100 kg इज़ इक्वल टू 1 क्विंटल, ये बात हो गई। अभी दूसरा कन्वर्जन ये है कि ब्रास नाम का एक पॉइंट आता है। ब्रास मतलब वो अभी यहाँ पे मेटल नहीं है, 1 ब्रास इज इक्वल टू 10 बाय 10 में आता है। देख लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से, ब्रास के 2 टाइप है, कहते हैं वन ही ब्रास दोनों दोनों केस में। मैं अभी पहली केस ले रहा हूँ, 1 ब्रास इज इक्वल टू 10 फीट बाय 10 फीट, कितना आया 100 स्क्वायर फीट, ये हो गया 1 ब्रास का टाइप। दूसरा ब्रास का टाइप, अगर इन केस वो वॉल्यूम रहा तब भी उसे 1 ब्रास ही कहा जाता है, लेकिन उसे 10 फीट बाय 10 फीट नहीं, बल्कि 10 फीट बाय 10 फीट मल्टीप्लाई बाय 1 फीट इज इक्वल टू कितना आया 100 ही आया, लेकिन यूनिट चेंज हो गया, वो यूनिट है 100 क्यूबिक फीट। मतलब 1 ब्रास इज इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट भी आता है, और 1 ब्रास इज इक्वल टू 100 क्यूबिक फीट भी आता है, इफ़ इन केस ऑफ डेप्थ इज़ कंसिडर। तो ये बातें बहुत समझना ज़रूरी है। स्क्रीन के सामने कुछ टेप्स दिए हैं, टेप्स के जो डिज़ाइन से, उसके जो कैलिब्रेशन से, वो कैसे पकड़ते हैं, कैसे समझते हैं, क्लॉथिंग वाला कौन सा है, उस पर मार्क कौन सा है, स्टील वाला कौन सा है, उस पर मार्क कौन सा है, कुछ रंगीन टेप्स भी है, वो भी आपके सामने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके सामने अभी बेहद इम्पोर्टेंट एक शीट है, उसका नाम है मेजरमेंट शीट। हम लोग इतना मेजरमेंट लिए हैं तो उसका करें क्या, उसका क्या आचार तो नहीं डाल सकते, तो हम क्या कर रहे हैं अभी उसका, कहाँ तो भी नोटबुक में आपने लिखा है, लेकिन इंजीनियर कभी भी नोटबुक पे नहीं लिखता है, वो रफ के तौर पे लिख सकता है, लेकिन उसको फाइनलाइज करने से पहले इस शीट पे उसको सब ये जो मेजरमेंट उसने लिए है या फिर आप लेंगे भविष्य में, वो आपको इस शीट पे डालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, ब्रिथ या फिर विड्थ, हाइट और डेप्थ, और फाइनल इज क्वांटिटी, या फिर कभी कभी टोटल क्वांटिटी भी आता है वहाँ पे आगे। तो इसमें होता क्या है, सपोज़ आपकी 6 बिल्डिंग्स हैं या फिर 7 बिल्डिंग हैं या फिर एक ही बिल्डिंग है, आपने मेजरमेंट कौन सा लिया, सीरियल नंबर 1 ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किया, तो डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, इस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर का ये नंबर का फ्लैट, उसमें क्या ये है। मेजरमेंट कोई भी प्रकार के हो सकते हैं, अभी मैं स्लैब पे नहीं रहा हूँ, आप फ्लोरिंग का भी ले सकते हैं मेजरमेंट, आप पेंटिंग का भी मेजरमेंट ले सकते हैं, आप प्लम्बिंग के पाइप्स का भी मेजरमेंट ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स का भी मेजरमेंट ले सकते हैं,
आप मेजरमेंट कोई भी तरह के लीजिए, इस मेजरमेंट शीट के बाहर की दुनिया आपकी नहीं है। इसका मतलब क्या, आपको यही शीट इम्प्लीमेंट करना है साइट पे। मेजरमेंट कोई भी प्रकार के रहिए, इस पे आपका काम चलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में आप एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन लिखिए। कभी कभी कोई लोग डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, वहाँ पे शॉर्ट में लिखना है कि आपको क्या करना है। एक 1/3 सिनॉप्सिस में आपको एक एक्सप्रेशन दे देना है कि आप एग्जैक्ट कहाँ पे है। पढ़ने के बाद समझ में आना जा जाना चाहिए किसी को भी कि वो ये एरिया पे ही ये मेजरमेंट लिए हुए है। तो नंबर दिए हैं, नंबर क्यों बताएं? चलो दोबारा फाउंडेशन में जाता हूँ। नंबर का मतलब ये है कि कन्फ्यूज़ मत करिए नंबर क्या है। फाउंडेशन में अगर आपकी 10 फुटिंग रही, उसमें से 5 फुटिंग सेम है, और सेम है तो आपने एक फुटिंग का ले लिया आउट ऑफ दैट 5, तो उसका जो एल बी और डी जो आपके स्क्रीन के सामने लेंथ विड्थ और हाइट डेप्थ क्या है, वो मल्टीप्लाई बाय क्या क्या आना चाहिए वहाँ पे। नंबर कितना हो गया एक साइज़ का? 5। इसीलिए उस केस में नंबर आएगा 5। इसका मतलब ये है कि 5 तरह की फुटिंग्स इस फाउंडेशन में है और उनकी साइज सेम है, इसीलिए नंबर, ये जो पर्टिकुलर कॉलम है इसका महत्व इस प्रकार से है। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक क्वांटिटी मिलेगी, और क्वांटिटी किस में आएगी? अभी लेंथ में आएगी, एरिया में आएगी, या फिर वॉल्यूम में आएगी? डेफिनेटली वॉल्यूम में आएगी, क्योंकि आपकी 3 डायमेंशन है। तो आपको लिखना भी पड़ेगा वहाँ पे क्यूबिक मीटर, वो आ गया क्वांटिटी में। बहुत बार क्वांटिटी में लिखा जाता है सिर्फ एक वैल्यू, और टोटल क्वांटिटी में यूनिट के साथ लिखा जाता है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस मेजरमेंट शीट का। लेकिन अभी तक आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। मेजरमेंट शीट के आगे आपका इम्पोर्टेंट काम ये है कि एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होता है। एज एन एग्जाम्पल आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट शीट दिया है। एक्चुअली ये बी के लास्ट सेमेस्टर में या फिर बी के फर्स्ट सेमेस्टर में अकॉर्डिंग टू दैट यूनिवर्सिटीज़ ये पढ़ाया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट शीट बेहद ज़रूरी है मेजरमेंट शीट के बाद, और इसमें डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर को, जो कंपनी ने या फिर क्लाइंट ने, बिल्डर ने जो रेट पे दिया हुआ है वो काम, उस काम के रेट्स मेंशन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स। कि स्लैब कास्टिंग का अगर हो तो उस स्क्वायर फिट में दिया है कि स्क्वायर मीटर में दिया है, या फिर कुछ भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ के तहत दिया है, वो सब इसमें मेंशन किया जाता है। इसमें नंबर नहीं है, इसमें एल नहीं है, इसमें बी नहीं है, इसमें डी और हाइट नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, शुरुआत करेंगे पहले सीरियल नंबर तो होना ही चाहिए, डिस्क्रिप्शन तो होना ही चाहिए। मे बी वो सेम होगा उस मेजरमेंट शीट से, वो कोलेब्रेशन जो एक तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि भाई मेजरमेंट शीट में जो डिस्क्राइब किया है वही एब्स्ट्रैक्ट शीट में वो पॉइंट पे आना चाहिए, कि समझ में आना चाहिए कि वो एरिया में किया हुआ है तो क्या करना चाहिए। तो उसका अभी क्वांटिटी है, क्वांटिटी सेम आया किसका, जो मेजरमेंट शीट में लिया वो, कि क्वांटिटी तो भैया आ गई, लेकिन इसके आगे यूनिट है। मैं वही बता रहा हूँ कि वर्क ऑर्डर, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने जिस कॉन्ट्रैक्टर को या फिर जिस फर्म को जो काम दिया है उसका रेट क्या दिया है और अगेंस्ट कौन सी यूनिट दिया है, वो एब्स्ट्रैक्ट शीट में होता है। इसीलिए ये शीट को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो इसमें क्वांटिटी आती है जो मेजरमेंट शीट से है, उसके बाद में आपकी यूनिट आ गए। यूनिट कौन सा, यूनिट कौन सा, यहाँ पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। बहुत बार हम लोग मीटर में तो ले लेते हैं मेजरमेंट शीट में, और यहाँ पे अगर सपोज़ वर्क ऑर्डर फिट में अगर दी हुई है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वर्क ऑर्डर का जो यूनिट है उसमें, और वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मतलब मेजरमेंट शीट में आपने ले लिया मीटर में, और उस कॉन्ट्रैक्टर को दिया होगा फिट इंचेस में, और आप यहाँ से यहाँ पे गलती से लिख देंगे मीटर में, तो ये नहीं चलेगा। आपको अपना दिमाग शांत चित्त से जगह पे रख के सब काम करने हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मेजरमेंट में अगर चूक हो गई तो दैट विल बी लीड टू द बिग ब्लंडर, इसलिए सतर्क और सावधानी बरती है। उसके आगे यूनिट है, तो रेट भी तो दिए होंगे कि कौन से रेट दिए हैं, इतने इतना स्क्वायर मीटर के लिए या फिर क्यूबिक मीटर के लिए कंपनी ने कितना रेट दिया है, वो भी यहाँ पे मेंशन किया है। और सबका मल्टीप्लाई होने के बाद एक अमाउंट आती है, डेफिनेटली अमाउंट आएगी। तो वो अमाउंट आपके सामने एज एग्जांपल के कि मतलब एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन इन लोगों ने इतना दिया था तो ये इतना अमाउंट आया, पीसीसी के लिए दिया था तो इतना आया, ब्रिक वर्क के लिए इतना आया, प्लास्टर के लिए इतना आया। तो टोटल आपके अमाउंट आ गई समथिंग 1.25 लाख के घर में आ गए कि नहीं, 1.25 लाख आ गए। तो बहुत फास्ट तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से मेजरमेंट में आपका हैंडलिंग चाहिए। जब आप मेजरमेंट में परफेक्ट हो गए, आपका 50% से ज़्यादा काम होगा सिविल इंजीनियरिंग में।
तो इसलिए मेजरमेंट एक दिमाग का काम है, जहाँ पे सुपरवाइज़र लोग कम पड़ते हैं, लेबर लोग कम पड़ते हैं, ब्लू कॉलर पीपल कम पड़ते हैं। इसलिए आप जैसे व्हाइट कॉलर लोगों को वहाँ पे अपना झंडा गाड़ना है, अपना इम्प्रेशन जमाना है, अपना धौक जमाना है कि भैया ये जूनियर इंजीनियर जो है, एक बार इसने मेजरमेंट ले लिया तो क्रॉस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना विश्वास अगर आपके सीनियर का आप पे आ गया तो डेफिनेटली इट विल लीड टू योर बेनिफिट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तो हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ साइट का पूरा स्टडी किया है। मैं आशा करता हूँ कि मेजरमेंट ऑन साइट पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, मेजरमेंट टेप लेंगे, उसका स्टडी करेंगे, वो मीटर में रहे, फीट इंचेस में रहे, उसका एक एक मार्किंग का आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अगले चैप्टर की हम लोग अभी शुरुआत करेंगे।